मकर संक्रांति के दूसरे दिन भी गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगे मेले का खूब आनंद उठाया। वहीं दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ मेले में देखने को मिली। क्राकरी, सजावट और श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ रही तो बच्चों के आकर्षण के लिए झूले, मौत का कुआं और जादू दिखाने वाले रहे। श्रद्धालुओं का रेला दुकानों की ओर बढ़ा तो दुकानदार ऊंची आवाज में सस्ते दर पर बेहतर सामान उपलब्ध कराने का दावा करते हुए ग्राहकों को आकर्षित कर रहे थे। मेला परिसर में खान पान की दुकानों पर काफी भीड़ भी देखी गई। वाजिब दर पर हर रेंज के सामान एक ही परिसर में उपलब्ध होने के कारण लोगों को खिचड़ी मेले का साल भर इंतजार रहता है। कई लोगों ने शादी ब्याह में देने के लिए सामानों की खरीदारी भी की। सजावटी व श्रृंगार के आइटम, खिलौनों की बड़ी रेंज महिलाओं और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेले में झूला लगाने वाले संचालकों, मिष्ठान और क्रॉकरी के दुकानदारों ने बताया।
मेरा नाम मोहम्मद शावेज, और हम आए मेल गोलकनाथ मंदिर में। मेला 20-22 साल से करीब यहाँ लगता आ रहा है, और मौत का कुआ हमारा ही लगता है, 20 साल हो गए। और प्रदर्शन हमारा ये मारुति कार सर्कस है, इसमें गाड़ी चलता है, बाइक चलता है, बस यही है, खेल तमाशा के खेल है, सर्कस है। कहाँ से आए हम लोग? यूपी मुजफ्फरनगर से आए। रिक्स तो देखो सभी काम में है, किस काम में रिक्स नहीं है। एक इंडिया टीम है, जैसे भारत की इंडिया टीम है, वैसे हम लोग भी कलाकार हैं, हम भी अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। रिक्स में ही तो मजा है। कितने लोगों की टीम है? करीब होंगे 1800 लड़के, सब इधर उधर ही रहते हैं। पूरा परिवार आप लोगों का जिस काम को करता है? हाँ, पूरा परिवार पहले से ही काम होता रहा है हमारे। ठीक है, रिस्पांस क्या है, बस ठीक ही है अपना। जैसे कि 10 महीने से लॉकडाउन चलता आ रहा था, पोल्यूशन बहुत ही खराब थी, अभी तो काम चलने लगे हैं धीरे धीरे, सब काम चालू हो जाएंगे, तो रिस्पांस ही रिस्पांस है। हिमांशु यादव, हम लोग आए हैं कानपुर से, घर हमारा कानपुर है। हम लोग, हमारे पिताजी के समय से बिजनेस चल रहा है, हम लोग सन 1981 से लगाते हुए हमारे पिताजी ये मेला। ये किस मेले में आया है? ये गोरखनाथ का मेला है, हर साल इसी साल लगता है। बाबा जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि कोरोना के वजह से पिछले साल यही मेला किए थे, इसके बाद सारा सामान डंप हो गया था। अब बाबा जी की कृपा से हम लोग दोबारा ये मेला कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी करते रहेंगे। कौन कौन से झूला लगाया गया आपको? भाई बड़ा झूला है, हवाई झूला है, ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, सैम्बो है, ये सब चीज़ें हैं, बच्चों के भी झूले हैं, और भी तमाम लगे हैं झूले। लोग घूमने आ रहे हैं, झूले का आप लोग लगाए हैं तो उसका आनंद उठाने लोग आ रहे हैं? हाँ, उसका आनंद उठाने आ रहे हैं। कोरोना का थोड़ा अभी ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इतने साल भर से लोग बैठे हुए हैं, इसका इंतजार करते हैं मेले का, तो आनंद उठाने सब आ रहे हैं। कल काफ़ी ही भीड़ थी, आज थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग आनंद लेने आ ही रहे हैं। मोहम्मद अयूब, गोरखनाथ मंदिर में आए हैं, लखनऊ से आए हैं। कप प्लेट की, क्रॉकरी की। कितने दिनों से लगाया जाता है ये? मेरे मामा जी यहाँ लगाते हैं 16 साल से, और हम तो यहाँ 4 साल से आए हैं। हाँ, अभी तो ठंडी 2-3 दिन से पड़ गई है, तो आना जाना हो रहा है, वरना पब्लिक तो ठीक ही ठाक रहती है।
और मेला भी काफ़ी शानदार है। वसीम आए गोरखपुर के मेले में, कितने लिए जाते हैं, किसी की दुकान लगाए? फाइबर की दुकान लगाए, पाँच साल हो गए आते रहते हैं। क्या रिस्पॉन्स है इसमें? बढ़िया मेला, बढ़िया सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। 45 दिन रहते हैं। धनंजय कटिया गोरंगनाथ मंदिर कानपुर से, खजली मिठाई की, खजले की दुकान। ये दूध से, खोए से सादा मीठा है, खोए वाला है, मैदे से, घी से तैयार करते हैं। काफ़ी डिमांड है यहाँ पे। मेरा नाम अनुज कुमार तिवारी, गोरखपुर मंदिर में हम आए, कम से कम 20-25 साल से दुकान लगाते हैं। यहाँ खाजा की दुकान लगती है, कानपुर के रहने वाले। अपने बाबा के जमाने बताओ, किस तरह तैयार करते हैं ये मैदा डालडा घी खोया, क्या बनता है? कितनी डिमांड है यहाँ पे इतने बने? यहाँ 60% लगभग बहुत होती है, 60% लगभग होता है।